जौनपुर के रामघाट पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखने के बाद सभी की आंखें नम हो गईं। दरअसल एक वीडियो में एक मां अपने नवजवान बेटे को अपने हाथों से अंतिम संस्कार करती हुई दिखी। महिला का नाम अंजू पाठक है और वह अपने बेटे हिमांशु की चिता को आग देती नजर आई है। हिमांशु की मौत एक एक्सीडेंट के चलते हुई है। दुर्घटना में घायल हिमांशु को लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के दौरान युवक को गलत दवाइयां दी गईं जिससे युवक का लीवर खराब हो गया था और इसी के चलते युवक की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर अंजू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साथ ही मां ने ईश्वर से बेटे को अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। ऐसा है कि उनके घर में जो है कि परिवार से रिलेटेड जो है बड़ा मतलब कोई पिताजी नहीं है, प्लस भाई भी कोई ऐसा नहीं है, तो इस वजह से देना पड़ा है। हम लोग हैं, हम लोग कज़न ब्रदर हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं दे सकते, इस वजह से उन्हें देना पड़ा। क्या बीमारी क्या थी, किस कारण से? एक्चुअली उनको पहले एक बार लखनऊ में उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो सेंट जेवियर्स एक वहाँ पे क्या कहते हैं वो है हॉस्पिटल, तो वहाँ गए थे। वहाँ पे उनको कुछ दवाइयाँ दी गई थी, कुछ डोज दिए गए थे, जिसकी वजह से उनका लीवर डैमेज होने लग गया था। वही लीवर डैमेज होते होते बाकी चीज़ों पे भी असर करने लगा, लाइक किडनी पे असर करने लगा। फिर वो लीवर डैमेज हो गया था तो पानी नहीं रिस पा रहा था, तो पानी नहीं निकल पा रहा था, तो वो पानी लंग्स में जाने लगा, उस कारण से सांस लेने में दिक्कत हुई और ये दुर्घटना घटी। क्या उम्र था इनकी? उम्र थी 32 साल। शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। ऐसा है कि उनके घर में जो है कि परिवार से रिलेटेड जो है बड़ा